हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग ऑफ ट्री की सीरीज में लास्ट टाइम पे हम लोगों ने लेफ्ट व्यू और राइट व्यू ट्रैवर्सल देखा था। उसके पहले हम लोगों ने लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल देखा था। तो ये जो टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू ट्रैवर्सल है, ये बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग एक्सटेंशन कर लेते हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का, और उसमें एक हॉरिजेंटल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ऐड कर देंगे तो हमारा टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू ट्रैवर्सल फाइंड आउट हो जाएगा। तो टॉप व्यू का मतलब ये कि हम टॉप से अगर ट्री को देखें तो वो कैसा दिखना चाहिए। सो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप उस ट्री को देखें तो वो टॉप से आप देखेंगे तो वो एक फ्लैट दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, और उस स्ट्रेट लाइन में जो एलिमेंट्स दिखेंगे वो एलिमेंट्स दिखेंगे आपको 30, 20, 40, 60 और 55। सिमिलरली जब आप इसको बॉटम से देखेंगे तो बॉटम से भी हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो टॉप से और बॉटम से जो एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं हमें उनको प्रिंट करना है। सो टॉप व्यू और बॉटम व्यू ट्रेवर्सल्स बड़ा ही आसान सा ट्रेवर्सल है, और इसमें हम एक नया पैरामीटर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दैट पैरामीटर इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो रूट नोड है उसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस 0 है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है हम आगे का ट्रेवर्सल प्रोसेस करते हैं। हॉरिजेंटल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर आप एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करें तो उस हॉरिजेंटल लाइन के रिस्पेक्ट में अगर रूट 0 डिस्टेंस पे है या रूट 0 नंबर डिस्टेंस पे है तो इसके लेफ्ट में आने वाले जो नोड्स होंगे वो इससे कम डिस्टेंस पे होंगे, और इसके राइट में आने वाले जो नोड्स होंगे उससे ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे। इसका मतलब लेफ्ट में आने वाले नोड्स की जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी, और राइट में आने वाले नोड्स की जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी। तो मान लेते हैं कि हमें अगर नोड 40 गिवन है तो जो 20 नोड है इसकी जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगी वो इससे कम होगी -1, और इसके राइट में आने वाले नोड की इसकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस इससे ज्यादा होगी। सिमिलरली 20 के लेफ्ट में जो नोड है उसकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस 20 से एक कम, और 20 के राइट में आने वाले नोड की जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो 20 से एक ज्यादा, तो -1 में आप 1 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 0। सिमिलरली 10 के लेफ्ट में जो नोड है उसकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस 10 से एक कम, और 10 के राइट में जो नोड 67 है उसकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस +1, 10 से एक ज्यादा। 60 के लेफ्ट में नोड 25 है इसकी जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगी वो 0 हो जाएगी, 1 से एक कम 0, और 60 से राइट में जो नोड है उसकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो जाएगी 1 से एक ज्यादा, इसका मतलब 2। इसी तरह से 2 के लेफ्ट में जो नोड है उसकी जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगी दैट विल बी 2 से एक कम, मतलब 1। तो हमें क्या करना है कि इन नोड्स को हॉरिजेंटल डिस्टेंस के हिसाब से एक हैश टेबल में स्टोर कराना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो ट्री हमारा है इस ट्री में एक हॉरिजेंटल डिस्टेंस है -2, एक हॉरिजेंटल डिस्टेंस है -1, एक है 0, एक है +1 और एक है +2। इसके अलावा और कोई हमारे पास एंट्रीज नहीं है, या इसके अलावा और किसी हॉरिजेंटल डिस्टेंस के नोड्स हमारे पास नहीं है। तो हम एक काम करते हैं कि इन हॉरिजेंटल डिस्टेंस के नोड्स को एक हैश टेबल में स्टोर कराते हैं, एंड देन हम लोग पिक कर देखेंगे कि हमें क्या अचीव किया हमने इसको रखते समय। तो हमें क्या करना है कि 40 को 0 लेवल में या 0 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में रखना। ठीक है, हमने 40 को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 वाले में पहली एंट्री हमने करा दी। इसके बाद हमें क्या करना है कि 40 के लेफ्ट में आने वाले नोड की एंट्री करानी है, लेकिन इसको इंश्योर कराने के लिए कि ये सही से एंट्री हो रही है या फिर लेवल ऑर्डर के हिसाब से हो रही है हमें इनको क्यू में मेंटेन करना पड़ेगा। तो 40 को हमने क्यू में इंसर्ट किया, 40 को डिलीट किया, 40 को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 के हिसाब से हैश टेबल में इंसर्ट किया, और 40 से कनेक्शन को देखा। 40 के लेफ्ट में 20 आता है, 20 को हमने क्यू में इंसर्ट कर लिया, 20 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है -1, इसलिए 20 को हमने -1 वाले रो में डाल दिया। इसी तरह से 40 के राइट में है 60, तो हमने 60 को क्यू में भी इंसर्ट कर लिया और 60 को +1 वाले रो में एंट्री करा लिया क्योंकि 60 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस +1 है। फिर हमने 20 को डिलीट किया और 20 से कनेक्शन देखा, वो है लेफ्ट में 30, 30 को हमने क्यू में इंसर्ट कर लिया और 30 का हॉरिजेंटल डिस्टेंस है -2, इसलिए हमने इसको हैश टेबल में -2 नंबर रो में एंट्री करा ली इसकी। फिर 20 के राइट में है 10, 10 को भी हम क्यू में इंसर्ट कराते हैं और 10 का हॉरिजेंटल डिस्टेंस है 0, तो 10 की एंट्री हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस में जहां तक एलिमेंट स्टोर हुए हैं उसके बाद कराते हैं। फिर हम क्यू से एक एलिमेंट डिलीट करते हैं 60, और 60 के लेफ्ट में एलिमेंट को देखते हैं दैट इज 25, इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस है 0
तो इसकी एंट्री जीरो वाले में हो जाएगी, और साथ ही साथ 25 को हमें क्यू में भी इंसर्ट कर लेना है। 60 के राइट में है 55, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 2, तो 55 की एंट्री अब हम 2 वाले रो में करते हैं हैश टेबल में, और 50 को इंसर्ट करा देते हैं हैश टेबल में, सॉरी 55 को इंसर्ट कराते हैं, नॉट दिस इज नॉट 50, दिस इज 55। देन इसके बाद हम क्यू से 30 को डिलीट करते हैं, गलती से हमारा 10 डिलीट हो गया, तो हम इसमें से अब डिलीट करते हैं 30 को। सो 30 के लेफ्ट में कोई नहीं, 30 के राइट में कोई नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। फिर 10 को पिक करते हैं, और 10 के लेफ्ट में है 100, एंड देन 10 के राइट में 67। तो 10 के लेफ्ट में एलिमेंट है 100, इसको हम हैश टेबल में इंसर्ट करते हैं, और 100 का हॉरिजेंटल डिस्टेंस है -1, तो इसकी एंट्री हमारी -1 वाले रो में हो जाएगी। 10 के राइट में एलिमेंट है 67, 67 की एंट्री हम क्यू में करते हैं, और इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस है +1, इसलिए 67 की एंट्री हम +1 वाले रो में कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम 25 को डिलीट करते हैं, 25 के लेफ्ट में कोई नहीं, राइट में कोई नहीं, छोड़ देते हैं इसको। 55 को पिक करते हैं, और 55 के लेफ्ट में एलिमेंट है 50, जिसकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस है +1, तो पहले तो उसको क्यू में इंसर्ट कर देते हैं, और उसके बाद 50 की एंट्री हम करते हैं हैश टेबल में 1 नंबर रो में। फिर 100 को डिलीट करते हैं, 100 के लेफ्ट में कुछ नहीं, राइट में कुछ नहीं, सिमिलरली 67 के लेफ्ट में कुछ नहीं और राइट में कुछ नहीं, 50 के भी लेफ्ट में कुछ नहीं और राइट में कुछ नहीं। जैसे ही हमारा क्यू एम्प्टी हुआ, अब हम अपने प्रोसेस को स्टॉप करके टॉप व्यू और बॉटम व्यू को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर हम हैश टेबल में 0 नंबर वाले रो की एंट्रीज को प्रिंट करें, तो हमें टॉप व्यू ट्रैवर्सल मिल जाएगा, 0 नंबर कॉलम, नॉट 0 नंबर रो बट 0 नंबर कॉलम। सो 30, 20, 40, 60 और 55 हमारे टॉप व्यू ट्रैवर्सल होगा। सिमिलरली अगर हमें बॉटम व्यू ट्रैवर्सल देखना है, तो बॉटम व्यू ट्रैवर्सल को हम कैसे देखेंगे? बॉटम व्यू का मतलब नीचे से मुझे कैसे दिख रहा है, तो जो सबसे लास्ट में एंट्रीज हमारी हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 30, 100, 25, 50 और 55, 30, 100, 25, 50 एंड 55, लेट मी राइट दिस। और यहाँ पे एक छोटे से एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे बॉटम व्यू में। टॉप व्यू तो इट्स वेरी सिंपल, बट बॉटम व्यू में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, उस कंफ्यूजन को मैं रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहला नोट 30 प्रिंट हो रहा है, दूसरा नोट 100 भी प्रिंट हो रहा है, लेकिन तीसरा नोट 67 ना प्रिंट होके बल्कि 50 प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों है? जब हमने इसको राइट करना स्टार्ट किया, तो हमने लेवल ऑर्डर को फॉलो किया। लेवल ऑर्डर को फॉलो करते समय क्या हुआ कि जैसे ये 67 वाला जो नोड है, इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस है +1, और 50 वाले का भी है +1, तो 50 वाला इसके बाद में आ रहा है 67 पे, तो ये इसको ओवरलैप कर देगा। तो अगर ये इसको ओवरलैप कर देगा, तो 67 की विजिबिलिटी ना होगी बल्कि 50 की विजिबिलिटी, इसीलिए यहाँ पे 50 प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली हमारा जो जीरो लेवल वाला नोड है, वो कैसे प्रिंट हो रहा है? जीरो लेवल वाले नोड में 10 है, 40 है और 25 है, तो 40 हमारा सबसे पहले दिख रहा है, लेकिन उसके ऊपर 10 उसको ओवरलैप कर दे रहा है, और 25 उसको भी ओवरलैप कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जीरो नंबर वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला जो नोड है, वो 25 विजिबल होगा, ना कि 10, तो इसलिए 25 की विजिबिलिटी है। तो ये जो 30 वाला नोड है, वो लास्ट नोड है, -2 नंबर रो में। 100 वाला जो नोड है, वो -1 वाले रो में लास्ट एलिमेंट है। 25 वाला 0 में है, और ये वाला +1 में है, और ये वाला +2 में है। तो आई होप इट मेक सेंस कि आप लोग हर एक रो में लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करें, और एक काम और कर रहे हैं, ट्री के हिसाब से भी लेवल ऑर्डर में जो सबसे लास्ट वाला जो नोड हमारा डिस्प्ले हो रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, हम उसको जो है प्रिंट कर रहे हैं। सो दिस इज गिविंग अस दी बॉटम व्यू ट्रैवर्सल। एक और ट्रैवर्सल है जो कि इससे रिलेट होता है, वो है वर्टिकल ट्रैवर्सल। तो वर्टिकल ट्रैवर्सल का सिंपली मीनिंग क्या है कि आप वर्टिकली अप से डाउन देखें, और कौन कौन से नोड्स इसमें आ रहे हैं उसको आप डिस्प्ले कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल
सबसे पहले -2 वाले में विजिबिलिटी है नोड की 30, इसी तरह से -1 वाले में विजिबिलिटी है पहले 20 एंड देन 100। तो ये वर्टिकली हम इसको वर्टिकली टॉप से डाउन की तरफ जा रहे हैं। वर्टिकली टॉप से डाउन जब हम 0 वाले में जाएंगे तो पहले 40 आएगा, देन 100 आएगा, एंड देन उसके बाद आएगा 25। ये इस तरह से इस डायग्राम में तो विजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो लेवल ऑर्डर के हिसाब से पहले 40, फिर उसको ओवरलैप कर देगा 10, एंड देन उसको ओवरलैप कर देगा 25। तो 40, 10 एंड 25। सिमिलरली +1 वाले में सबसे पहले 60, एंड देन उसके बाद 67, एंड देन उसके बाद 50। तो 60, 67 और 50, एंड 2 वाले में केवल एक नोड है, 55। तो वर्टिकल ट्रेवर्सल का ऑर्डर हमारा ये होगा। तो ये हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, हर एक रो में हम जाएं और हर एक रो की सब एंट्री को प्रिंट करें। तो 30, 20, 100, 40, 10 एंड 25, 60, 67, 50 एंड 55, ये हमारा वर्टिकल ट्रेवर्सल हो गया। तो बड़ा ही आसान है वर्टिकल ट्रेवर्सल को भी प्रिंट करना। तो आइए अब हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू ट्रेवर्सल्स। सो दिस इज द कोड फॉर फाइंडिंग आउट द टॉप व्यू एंड द बॉटम व्यू ट्रेवर्सल। और इसमें हमने एक एक्स्ट्रा पैरामीटर लिया है HD का, जो कि हमें हॉरिजेंटल डिस्टेंस बता रहा है। डायरेक्टली आते हैं हम लोग अपने टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू ट्रेवर्सल पे। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द कोड फॉर द टॉप व्यू एंड द बॉटम व्यू ट्रेवर्सल, विच इज वेरी इजी। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक रूट नोड गिवन है T, फिर हम एक क्यू ले ले रहे हैं जिसका स्ट्रक्चर, जिसमें हम स्ट्रक्चर टाइप के एलिमेंट्स को डालेंगे, स्ट्रक्चर टाइप के पॉइंटर्स को डालेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम इसमें नोड्स को डालेंगे, क्योंकि हम क्यू से लेफ्ट, क्यू में जो पड़े हुए एलिमेंट्स उससे लेफ्ट और राइट एलिमेंट्स को रेफर करेंगे, इसीलिए हमने इसमें नोड्स को डाला है। हमने हाइट फाइंड के लिए की और हाइट को प्रिंट करके देख लिया है कि हाइट सही है कि नहीं। तो अभी जो हम हैश टेबल मेंटेन करें उसकी साइज कितनी होगी, आपको भी पता है कि हैश टेबल, अगर हमारे ट्री की जो हाइट है वो एच है, या मान लीजिए कि जो हमारे जो ट्री की हाइट है वो 3 है, तो जो हमारा जो हैश टेबल है वो हैश टेबल कहाँ से कहाँ तक ग्रो कर सकता है, वो -3 तक जा सकता है उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और +3 तक उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जा सकती है। तो जो हैश टेबल है उसमें जो एंट्रीज हमारी हैं वो -3 से लेकर 3 तक होंगी, लेकिन किसी भी टेबल का या किसी भी एरे में हम -3 इंडेक्स को तो एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा कि उसको स्केल अप करना पड़ेगा 0 तक। तो इसका मतलब क्या है कि -3 को हमें 0 पे लाना पड़ेगा। तो -3 को हम 0 पे कैसे ला पाएंगे, उसमें अगर हम +3 ऐड कर दें। सिमिलरली हर एक इंडेक्स का जो, हर एक जो इंडेक्स है वो एक एक आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या 3-3 आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मीनिंग इसका ये है कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास -3 लेवल है, सो दैट हैज स्केल टू 0, तो अगर हम -2 होगा दैट विल स्केल टू +1, -1 विल स्केल टू 0, सॉरी +2, एंड 0 विल स्केल टू 3, 1 विल स्केल टू 4, 5 विल स्केल टू 6, एंड सो ऑन सो फोर। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं कि हैश टेबल जो हमने बनाई है वो 2H+1 साइज की बनाई। इसमें हम सबसे पहले रूट नोड को इंसर्ट कर लेते हैं। रूट नोड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 सेट कर देते हैं और रूट नोड की एंट्री हैश टेबल में कर देते हैं। तो हैश टेबल में जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसमें +H ऐड करें। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि हमें स्केल अप करना पड़ेगा जिससे कि हमें निगेटिव इंडेक्सेस ना मिले। तो इस वाले रो में हम पुश बैक कर देते हैं टी के डेटा को, मतलब कि रूट नोड के डेटा को। फिर जब तक क्यू हमारा एम्प्टी ना हो जाए, हम क्या करते हैं कि क्यू से एक एलिमेंट को डिलीट करते हैं, लेट से वो एलिमेंट एक्स है, और उसके लेफ्ट को रेफर करते हैं। अगर लेफ्ट नल नहीं है तो उस लेफ्ट की हॉरिजेंटल डिस्टेंस एक्स के, एक्स नोड की हॉरिजेंटल डिस्टेंस से एक कम सेट कर देते हैं। सो एक्स डॉट लेफ्ट डॉट HD इज इक्वल टू एक्स डॉट HD -1। तो एक्स एक्स की जो भी हॉरिजेंटल डिस्टेंस है उससे एक कम, इस लेफ्ट वाले नोड को हम क्यू में इंसर्ट करा लेते हैं। और इंसर्ट कराने के बाद इस लेफ्ट नोड की भी एंट्री हॉरिजेंटल डिस्टेंस के हिसाब से हम सेट कर लेते हैं हैश टेबल में। तो
एच टी मतलब हैश टेबल में एक्स के लेफ्ट का जो एक्स के लेफ्ट में जो भी नोड है उसकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस के हिसाब से हम उसको पुश बैक करा देते हैं इस नोड के लेफ्ट नोड के डेटा एलिमेंट को। स्केलिंग अप वाला कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि जो भी इसकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगी उसमें प्लस एच ऐड करके रो नंबर फाइंड करें। जैसा काम हमने लेफ्ट के लिए किया वैसा ही काम हम राइट के लिए करेंगे, जब तक कि हमारा राइट नल ना हो जाए तब तक हम एक्स की एक्स नोड के राइट नोड का जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है उसमें एक्स नोड के हॉरिजेंटल डिस्टेंस से प्लस वन ऐड करके फाइंड कर लिया। इस नोड को या राइट वाले नोड को हमने क्यू में इंसर्ट कर लिया और साथ ही साथ इसकी एंट्री राइट वाले नोड की एंट्री हमने हैश टेबल में करा लिया। तो एक्स डॉट राइट डॉट एच टी मतलब कि राइट के हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो भी है उसकी स्केलिंग अप करके एच ऐड करके और हम डेटा को पुश कर ले रहे हैं या डेटा को हम इंसर्ट कर ले रहे हैं इस वाले हैश टेबल के वेक्टर में। तो जब हमारा ये हैश टेबल प्रिपेयर हो जाएगा तो हमें बस प्रिंटिंग करनी होगी टॉप व्यू और बॉटम व्यू ट्रैवर्सल की। अभी भी मैंने आपको बताया कि जो टॉप व्यू ट्रैवर्सल है उसमें हैश टेबल के जीरो इंडेक्स वाली वैल्यूज को हम प्रिंट करते हैं हर एक हैश टेबल में हर एक वेक्टर में। तो हमने क्या देखा ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ट्री हमारा स्क्यूड हो, तो अगर ट्री स्क्यूड होगा तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा होगी, हाइट ज्यादा होगी तो एक ही तरफ के नोड्स होंगे दूसरी तरफ नोड्स नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि हैश टेबल के बहुत सारी रोज हैं जो खाली रह जाएंगे। तो हमें उन्हीं रोज को रेफर करना जो कि एम्प्टी ना हो, इसका मतलब कि उसकी साइज जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर एच टी आई मतलब कि हैश टेबल की आईथ रो का साइज जीरो से ज्यादा है तभी हम बात करें उसकी प्रिंटिंग की। तो हमने क्या किया कि जीरो से ज्यादा है तो हमने हैश टेबल आई के जीरो इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दी। तो हम जब हर रो की प्रिंटिंग कर लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि यही हमारा टॉप व्यू ट्रैवर्सल हो जाएगा। सिमिलरली बॉटम व्यू ट्रैवर्सल में हम लास्ट वाली एंट्री को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास हैश टेबल में जो नंबर ऑफ रोज है वो 2h+1 है, हमने साइज फाइंड कर लिया। इसका मतलब कि हर एक रो की मतलब कि हर एक रो जो हैश टेबल में उसके हमने साइज फाइंड कर लिया और उस साइज के हिसाब से अगर साइज जीरो नहीं है तो हमने हैश टेबल के लास्ट रो की एंट्री को प्रिंट कर दिया। अगर एक्स इज द साइज तो इसका मतलब कि x-1 विल बी द लास्ट कॉलम, लास्ट रो नहीं है मुझे प्लीज इग्नोर माय सेंटेंस, यहाँ पे हम लास्ट कॉलम की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। हैश टेबल आई हैश टेबल के आईथ रो में और x-1 मतलब कि लास्ट वाली एंट्री को प्रिंट कर रहे हैं। सो दिस इज द बॉटम व्यू ट्रैवर्सल। आई होप कि आप लोग वर्टिकल ट्रैवर्सल खुद से कर लेंगे, बहुत ही आसान है। आई एम लीविंग दैट ऑन यू। तो आइए हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो हम रूट नोड की सबसे पहले एंट्री करते हैं इसमें और रूट नोड हमारा 40 है, 40 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, 40 का लेफ्ट है 20, 20 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है वो है 30, 30 का लेफ्ट नहीं है, 30 का राइट नहीं है, 20 का राइट एग्जिस्ट करता है दैट इज 10, 10 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है दैट इज 100, 100 का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता राइट एग्जिस्ट नहीं करता, 10 का राइट एग्जिस्ट करता है दैट इज 67, 67 का लेफ्ट भी नहीं है, 67 का राइट भी नहीं है, 40 का राइट है दैट इज 60, 60 का लेफ्ट है दैट इज 25, 25 का लेफ्ट नहीं राइट नहीं, 60 का राइट है, 60 का राइट है 55, 55 का लेफ्ट है दैट इज 50, 50 का लेफ्ट नहीं राइट नहीं, 55 का भी राइट नहीं। सो हियर इज दी ट्रैवर्सल्स, यू कैन सी दैट दी हाइट ऑफ द ट्री इज 3 जो हमने ट्री बनाया, जो टॉप व्यू ट्रैवर्सल है वो है 30, 20, 40, 60 और 55। थोड़ा इसको वेरीफाई करते हैं अपने इस ट्री से। आप चेक कर सकते हैं कि रो नंबर जीरो हर रो में कॉलम जीरो की जो एंट्री है वो है 30, 20, 40, 60 और 55। तो इसका मतलब ये व्यू सही है। इसी तरह से बॉटम व्यू को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो बॉटम व्यू में लास्ट वाला जो एंट्री है हमारे हर रो में उसको हम प्रिंट करेंगे। तो लास्ट रो है 30, 100, 25, 50 एंड 55। सो हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि जो हमने कोडिंग की है वो बिल्कुल सही की है और इसके अकॉर्डिंग आप लोग किसी भी तरह के ट्री को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके टॉप व्यू और बॉटम व्यू ट्रैवर्सल को फाइंड कर सकते हैं, वर्टिकल ट्रैवर्सल को भी फाइंड कर सकते हैं। भूलिएगा नहीं कि आपको अपने से भी वर्टिकल ट्रैवर्सल्स की वैल्यूज को प्रिंट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।